हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज का गरम गरम टेक न्यूज रेडी है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहला जो हमारा टेक न्यूज निकल कर आता है सैमसंग की तरफ से। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी एस 20 स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपके फोन में आज से कुछ दिन पहले एंड्रॉइड 11 और वन यूआई 3.0 का अपडेट आया होगा। लेकिन इस अपडेट को आने के बाद आपके फोन में थोड़ा मोड़ा ग्लिच देखने को मिलेगा, कैमरा क्वालिटी में और भी काफी सारे ग्लिच देखने को मिल रहा है। उसको सैमसंग ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में उसे सॉर्ट आउट कर देगा। एक और आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा जो फरवरी में, उससे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, सैमसंग की तरफ से बता दिया गया आप सबको। सो गाइस, रॉकस्टार की तरफ से आने वाला काफी पॉपुलर गेम जो आपको मिल होने वाला GTA 6, बात करें इसके लेकर काफी ज्यादा अपडेट निकल कर आ रहा था। यहाँ पे सब बता रहे थे कि 2021 में 100% GTA 6 आ जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, GTA 6 की तरफ से कंफर्म कर दिया गया कि अब ही 2021 में GTA 6 हमें देखने को नहीं मिलेगा। शायद ये 2023 तक हमें इंडिया के अंदर में और वर्ल्ड के अंदर में देखने को मिलने वाला है ग्लोबली। आप लोग वेट कीजिए फिलहाल आप GTA 5 के लिए। GTA 5 काफी इंटरेस्टिंग गेम है और आने वाले कुछ दिनों हमारा जो YouTube चैनल बनेगा उसमें हम GTA 5 का काफी सारे सीरीज भी लेके आएंगे और फ्यूचर में जब GTA 6 लॉन्च होगा तो GTA 6 का भी सीरीज लेकर आएंगे। तो आप लोग वेट कीजिए, काफी अपकमिंग दिनों में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलने वाला है हमारे YouTube चैनल। तो गाइस, अगर आप अपना डेटा को सिक्योर करना चाहेंगे तो आप कौन से स्मार्टफोन पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, कौन से स्मार्टफोन ब्रांड पे? आई एम श्योर आप सब में से 75% लोग बोलेंगे एप्पल पे। मैं आपको बता दूं, एप्पल जो अपने ऐप स्टोर पे से लगभग 138 ऐप को बैन करने वाला है, जिसमें से 105 ऐप जो है चाइनीज ऐप है, जो डेटा को, यूजर का डेटा को लेकर और गवर्नमेंट के साथ शेयर करता है, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, जो कि काफी ज्यादा खतरा है हमारे लिए और आप सबके लिए। इसी कारण से 138 ऐप को बैन कर दिया जाएगा ऐप स्टोर पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर। सो गाइस, अगर आप भी एक ब्लॉगर हैं तो आप लोग ड्रोन का यूज जरूर करते होंगे, आप सब में से काफी सारे लोग। यहाँ पे आपको बता दूं, ड्रोन डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज होता है, खास करके जो कोई ब्लॉगिंग करते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप यूके या फिर यूरोप में अगर ड्रोन का यूज करेंगे तो उसके लिए कुछ न्यू रूल बनाया गया है जो 2021 में लागू कर दिया गया है, तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आप उस रूल के बारे में जानना चाहते हैं आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको कोई ऐसा टेंशन नहीं है। यहाँ पे ड्रोन काफी सारे लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं और काफी कम ही लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा प्रतिबंध भी नहीं लगाया गया है। लेकिन यूके और यूरोप में प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल जो है बनाया गया है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये भी न्यूज़ है, इसी कारण से मैंने सोचा कि आप लोगों को देता चलूं। सो गाइस, कल के दिन फौजी का ऑफिशियल ट्रेलर जो है लॉन्च कर दिया गया और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर फौजी का ऑफिशियल ट्रेलर को डाला हुआ था। अगर आप देखना चाहते हैं जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, फौजी जो गेम है 26 जनवरी को लॉन्च होने वाला, यानी कि रिपब्लिक डे को फौजी गेम हमें इंडिया के अंदर में देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा सही है और हम भी काफी इंतजार कर रहे हैं फौजी गेम का। काफी इंटरेस्टिंग है, टीजर को देखने को लगता है। आप थोड़ा सा टीजर को देख भी सकते हैं, देख लीजिए टीजर को फटाफट। मेरी धरती ते पैर भी ना पाना। सेंड पैराट्रूपर्स, आई रिपीट, सेंड पैराट्रूपर्स। जैसे कि आप लोगों ने टीजर को देखा होगा, टीजर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मैं आपको बता दूं ये गेम भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको 26 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट डाउनलोड कीजिए, गेम प्ले कीजिए। इसके रिगार्डिंग मैं काफी सारे अच्छे अच्छे वीडियो लेके आपके पास जरूर आऊंगा।
सो गाइस अगला न्यूज निकल कर था यहाँ पे OnePlus की तरफ से। अगर आपको OnePlus का प्रोडक्ट पसंद है तो मैं आपको बता दूं 11 जनवरी को इंडिया के अंदर में देखने को मिलने वाला है OnePlus की तरफ से उनका फिटनेस बैंड, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, इसका जो है रिव्यू वीडियो जल्द लेके आएंगे, आप लोग वेट कीजिए। सो गाइस व्हाट्सएप का इस्तेमाल आप सभी करते होंगे और मैं भी करता हूँ। मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप की तरफ से कुछ न्यू फीचर निकल कर रहा है। यहाँ पे बताया जाए कि व्हाट्सएप जो है सपोर्ट करेगा मैक ओएस और साथ ही साथ यहाँ पे विंडोज में भी। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते तो अब आप व्हाट्सएप को भी यूज कर पाएंगे वेबसाइट के जरिए। जैसे कि आप लोग देखते होंगे स्क्रीन पर कुछ इस वेबसाइट को, जैसे आप सर्च करेंगे आप यहाँ पे व्हाट्सएप को यूज कर पाएंगे अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर में, जो कि काफी ज्यादा मुझे पर्सनली इंटरेस्टिंग लगा और इसे इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। आपको पीसी में काफी इंटरेस्टिंग लगेगा और काफी आपको अच्छा लगेगा यूज करने में व्हाट्सएप को भी। सो गाइस 14 जनवरी को लॉन्च होने वाला है सैमसंग की तरफ से काफी फ्लैक्सिब स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। स्मार्टफोन S21 भी लॉन्च होने वाला है। मैं आपको बता दूं S21 अल्ट्रा में आपको देखने को मिलने वाला 108 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है सैमसंग की तरफ से। सो गाइस अगला न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आ रहा है यहाँ पे वीवो की तरफ से। वीवो का Y20 स्मार्टफोन को अगर आप खरीदना चाहते हैं यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है लगभग 4000 रुपीज का डिस्काउंट। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है। सो गाइस 7 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M02 स्मार्टफोन। लगभग ये स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो अंडर 10,000 रखा गया, लगभग 7,000 के राउंड में आने वाला है। आज से कुछ दिन पहले 2020 में भी सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M01 स्मार्टफोन देखने को मिला था, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन था और M02 भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है। सो गाइस आई होप आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे इस वीडियो में। ये न्यूज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज था और आने वाले कुछ दिनों में आपको इसी प्रकार से न्यूज देखने को मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सा होना चाहिए। साथ से तक अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं जानता हूँ लगभग 99% व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारे चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। और कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ साथ मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिए फटाफट। ओके बाय, लेट्स गो।